इस वीडियो में आपको बताना हूँ कैसे आप स्क्रीन को स्लिप्ट कैसे कर सकते हैं अपने IQ Z9 Lite 5G में। एक साथ डबल ऐप को चलाना चाहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो कैसे आप चला सकते हैं इस वीडियो में पूरी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ले चुका हूँ फिलहाल अपने फोन डिस्प्ले। सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल के आइएगा। नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही आइएगा तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी करके, तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर में एक ऑप्शन आपको शो होगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा हो तो इसे आपको सिंपली इनेबल कर देना। देख लीजिए इनेबल कर लेना होगा। इनेबल करने के बाद यहाँ से बैक आइएगा। अब यहाँ पे चलिए मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसे देख लीजिए यूट्यूब में ओपन कर लिया। देख लीजिए मैं यूट्यूब ओपन कर लिया। अब यहाँ पर डबल एप्लीकेशन मुझे चलाना, तो कैसे चलाना देख लीजिए। एक ऊपर में यूट्यूब हो गया, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए इस तरह से यूट्यूब हो गया। अब यहाँ से थ्री फिंगर लेनी होगी और यहाँ से ऊपर की ओर करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ ऊपर की ओर करना है और एक नीचे। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह यहाँ पे अपने स्क्रीन को स्लिप कर सकते हैं अपने IQ Z9 Lite में। अच्छी लगी वीडियोज़ तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेगी।